करनी चाहिए। अरे साहब जी, साहब जी, साहब जी, घड़ी खंगा। अरे वो दो चोटी लोग जिस खिड़की से अंदर गए थे, हाँ, और एकदम ताला तोड़ के अंदर घुस गए। आओ आओ, मैं बताती हूँ। आइए आइए। अरे नहीं नहीं, आप पहले जाइए। अगर चोर ने मारे को धर लिया तो है, जाइए जाइए। अरे जाइए। निमी भाभी, प्लीज बत्ती जलाइए। हाँ, लाइट ऑन करती हूँ। तो चोर बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, वरना गोली चल जाएगी। बैगड़ की कसम, ये चोर तो बड़ी तेज चीज है जी। हाँ, मुझे मासा की भी आवाज निकाल लेता हूँ। मासा? अरे अरे, विदेश्वरी कहाँ है? अरे अरे, कहीं तुमने कमबख्त मासा को ही तो नहीं बांध दिया? हैरानी की बात है कि चोर या कहा। अरे ना ना, हमने तो किसी को ना देखे, हम भी तो इसी दरवाजे से आए हैं। क्यों पुलिस वाले साहब जी? हाँ, कहीं वो अंदर तो नहीं? अंदर कैसे आ सकते रिया, अंदर तो हम सब हैं। इस रास्ते से तो हम दोनों ही आए थे। ये कौन है? ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन सर जी, अगर फैमिली मेंबर्स है तो चोरों की तरह क्यों घुसे दरवाजों से ना आ सके? कार्तिक, ये सब क्या है? घर में ऐसे दाखिल होने का ये कौन सा तरीका है? अगर चोर समझकर तुम्हारी ठुकाई कर दी होती तो। अरे और नहीं तो के? अपने ही घर में तुम लोगों को चोरों की तरह घुसने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे ओ लवली, खा उठ की कसम और बता मारे को। हाँ, वो क्या है ना, हम लोग बहुत लेट हो गए थे और
घर की चाबियां हमारे पास थी नहीं, हमें लगा सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और इसीलिए यहाँ से हम। तो इसका मतलब ये है कि झूठी खबर के वजह से हम सब यहाँ भाग के चले आए। वैसे चोरों के घर में घुसने की खबर किसने दी थी आपको? जी वो ये हमारी पड़ोसन है आरती, इन्होंने फोन करके हमें बताया। अरे हद हो गई, अपनी पड़ोसन को भी ना पहचानो। साहब जी बार गणो अंधेर हो रहे हो, तुम्हारे को जे लोग ना दिखाई दियो। लेकिन साहब जी आप ही बताओ मारे को कि मारे को ऐसा सुख कैसे हो तो कि मारो ही पड़ोसी अपने ही घर में चोटे की तरह घुसेगो। देखिए सब इंस्पेक्टर शर्मा, आपको तकलीफ हुई हमें खेद है, चलिए। ठीक है सर, और आप भविष्य में ऐसी गलती ना होनी चाहिए, समझे आप? चलो चलो तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, चलो। अरे कहना कहना भाभी, आरती लाल लकीर देख लेगी और सवाल पूछेगी, कुछ करो। आरती आरती बहुत रात हो चुकी है, हम सबको सोना है, तुम्हें भी सोना होगा, चलो चलो। अरे लेकिन मारे को काम की सास है और मुझे के है। सुनो ना, हम कितनी रात हो गई, कितनी बातें की, हमारी बात सुनो। लाल बच्चा बहुत नींद आ रही है, हमको सोना है। जाओ आरती अब जाके सो जाओ। हाँ हाय हाय, मैंने जिस परिवार की मदद करनी चाहिए थी मदद, लेकिन ये देखो गहना मारे मुंह पे दरवाजों बंद क्यों मारे मुंह पे। हाँ ये परिवार तो बात करने के लायक भी ना रहे। हाँ कभी ना मदद करूं मैं तुम लोगों से, ना कभी बात करूं, ना कभी आऊंगी। हाँ अरे ओ लल्लाल के भौसा, हमें सफाई में कुछ भी नहीं सुनना है। आदि कल ही ने एक नई चाबी बनवा देना। जी मासा। हम नहीं चाहते कि हमारी परिवार की वजह से पूरे मोहल्ले की नींद खराब। हम सब लोगों को अपने अपने कमरे में चले जाना चाहिए। जी भाभी। दूसरों की वजह से हमें और परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए चाहिए था। यू नो व्हाट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दरवाजे खोलने की वजह से घर पे पुलिस भी आ सकती है। सच कार्तिक, सिचुएशन कितनी सीरियस थी और एकदम से फनी हो गई। तुम्हारे गेट से घुसने वाला आइडिया ना तो पक्का पिटवा देता। ए हेलो,
गेट से घुसने वाले आईडिया की वजह से हम लोग घर पे बैठे हैं ना, मेरा आईडिया हिट है। पर कार्तिक, हमारी वजह से मासा को कितनी तकलीफ हुई होगी, उन्हें कितना बुरा लगा होगा, और पक्का हम पे वो बहुत गुस्सा होंगी। सा, किस बात पर आपको हंसी आ रही है? अरे हम तो यही सोच रहे थे कभी कभी कैसे क्या हो जाता है, ऐसी भयानक स्थिति में भी एक छोटी सी भूल के कारण हास्यरस उत्पन्न हो जाता है। अब हमारे बिट्टू महोदय को देखिए, उन्होंने चोर समझ के अपनी मासा को ही लपेट लिया। अच्छा, उस वक्त हमारा दम घुटे जा रहा था और आपको ये सोच करके हंसी आ रही है? जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, अब किसी ने जानबूझ के तो किया नहीं है? और फिर जानबूझ के करेगा क्यों? चलो इस बहाने पूरा परिवार तो इकट्ठा हो गया। सा, इस विषय पर सोचकर ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि आपको ही सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि लवली और कार्तिक इस परिवार का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते, खासतौर से इस हादसे के बाद। अरे भैया, कोई हादसा थोड़ी था, एक छोटी सी भूल थी बस। आपके लिए एक छोटी सी भूल होगी, लेकिन हमारे लिए एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। पता नहीं इस छोरी ने कार्तिक पर क्या जादू कर दिया है कि उसके इशारों पर ही नाचने लगा है। पाल जी, इस बार इतनी ठंड पड़ी है कि किसी का भी शरीर जम जाए, बिल्कुल वैसे जैसे मासा के सामने सबके हाथ पर बर्फ से जम जाते हैं। शाबाश लवली, इतनी ठंड होते हुए भी तू सुबह सुबह उठ गई और रेडी भी हो गई। बस एक कप चाय की प्याली मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। दूध वाला होगा, मैं जाके सब पर दूध ले लेती हूँ, सबको लगेगा कि लवली कितनी जिम्मेदार है। हाँ लीजिए। रुको भाई साहब, प्रणाम भाभी साहब। इसमें भी दूध डाल दीजिए। अरे बड़ी भाभी साहब, दूध तो छोटी भाभी साहब ने ले लिया। जैसा कहा है वैसे कर। जी। वो भैया क्या है ना, आज घर में खीर बननी है और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो दूध ज्यादा लगेगा, इसलिए। जी। कई लोगों की झूठ बोलने की आदत कभी जा ही नहीं सकती। सवेरे सवेरे झूठ। Thank you.
बीबी बहू के कमरे के बाहर आज से यह हिस्सा इनका हुआ। घर का कोई भी सदस्य इस हिस्से में पांव नहीं रखेगा और यही नियम तुम दोनों पर भी लागू होता है। बाबा जी बस इतनी कृपा करना कि मैं पकड़ी ना जाऊं और मासा मुझे पूजा करने की इजाजत दे दे। मैं जानती हूं कि मैं सबके साथ पूजा नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं आपकी पूजा तो कर सकती हूं ना। बस सब कुछ ठीक कर देना। बिल्कुल निमी बहू, बच्चों के अगले सप्ताह से परीक्षा शुरू होने वाली है। पूजा होने के बाद बच्चों को उठा देना। सुबह का याद किया दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। हाँ जी मम्मी जी। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सबका दिल जीत सकूं और वापस अपनी फैमिली में आ सकूं। इससे पहले मुझे कोई देख ले मैं यहां से चली जाती हूं। कह चुके हैं ना कि तुम हमारे हिस्से में नहीं आओगी, फिर तुम यहां पर क्या कर रही हो? मासा वो मैं भोले बाबा जी से अपनी गलती की माफी मांगने आई थी। घर की मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ डाली है और अब भोले बाबा का नाम लेकर तुम मासा को नीचा दिखाना चाहती हो?
वैसे तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी लड़की। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मासा तुम्हें मंदिर में आने से मना नहीं करेगी, पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मासा के फैसले का अपमान करने की? एक बात तो है लवली, अपनी मनमर्जी करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। कहना की पांच बहू